अस्सलाम वालेकुम, आ गई हूँ एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ। वीडियो में आज बता रही हूँ मैं क्रीमी चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि आपने शायद ही बनाई हो। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसको देखिएगा ज़रूर, उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। चलते शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चिकन लिए मैंने 1 किलो और धो के रख लिया है। इसके बाद में इसमें पैन में मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ 2 कप के करीब। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा ताकि चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो सके ना। तो मैं इसमें अब चिकन ऐड करूँगी। चिकन नॉर्मल वाली ले लीजिएगा, आपके पास अगर बोनलेस हो तो बोनलेस भी ले सकते हैं। मेरे पास ये वाली थी तो मैंने ले ली। देखिए इसमें मैं लहसुन अदरक डालूंगी 2 चम्मच के करीब, 10 लहसुन अदरक। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालूंगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी 2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, और इसको इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिलाइएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ जीरा 1 चम्मच के करीब। पिसा हुआ जीरा डालेंगे तब इसको अच्छी तरीके से मिक्स किएगा। ये 6 से 7 अदद मिर्चें हैं, हरी मिर्चें मैंने ली थी और इसको मैंने पीस लिया। और ये 2 चम्मच के करीब नमक है। इसके बाद आप ये 2 से 3 चम्मच घर की मलाई है जो दूध पे से उतरती है। उसके बाद आपने दही ले लेनी है। दही आपने इसमें 1.5 पाव के करीब दही रखनी है, जो कि 2 कप के करीब होती है इस तरह। तो इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने के तकरीबन आप 5 से 10 मिनट तक ही ढकेंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। ये देखिए इसमें मैंने डाला है वाइट पेपर, जो कि दक्षिणी मिर्च कहलाती है। उसके बाद हम इसको खूब भूनेंगे। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम मैंने ली है मिल्क पैक की, आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। देखें अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी और 5 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी ना बिल्कुल लो फ्लेम पे, तेज आंच पे नहीं रखिएगा वरना जल जाएगी। तो ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, जूसी सी यम्मी सी। आपने ट्राई ज़रूर कर, होटल स्टाइल है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। अब इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट का जायका इसमें मिलेगा, आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिलेगा। आपने ये मिनटों में बच जाने वाली रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाने से पहले ये कहूँगी कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।